हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डन डिज़ायर्स में। फ्रेंड्स, मुझे जो है अब अपना गार्डन फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी ट्रांसफ़र हो गई है, तो मुझे अब ये घर चेंज करना है और अब हमें दूसरे घर में शिफ्ट करना है। तो अब मेरे लिए फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि मुझे ये अपने सारे पॉट्स जो हैं फिर से अरेंज करके इनको शिफ्ट करना है। तो अब हमें जो है लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये मुझे मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे अब अपने प्लांट्स को ना अकॉर्डिंगली अरेंज करना पड़ेगा कि बड़े बड़े पॉट्स में मैं काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दूं ताकि शिफ्ट करने में इजी हो जाए। तो ये देखिए किस तरह से मेरे इतने अच्छे हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अभी मैंने वो सारा एरिया खाली करके इसको इकट्ठा यहाँ पर कर दिया है जिससे कि मुझे पानी देने में आसानी हो, क्योंकि गर्मी बहुत है वहाँ, धूप बहुत तेज़ पड़ती है और मेरी पाइप जो है वो छोटी है तो वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो मैंने सारे पॉट्स यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं और यहाँ पे छांव रहती है, तो मैं छांव में अपने पॉट्स को एक एक पॉट को ठीक करती जाऊँगी और अरेंज करती जाऊँगी जैसे कि उसको लेके जाना है। तो ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको भी आइडिया लगे कि आप अपने पॉट्स को जो है वो शिफ्ट करना हो अगर एक जगह से दूसरी जगह तो कैसे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ तो बहुत बड़ा खुला गार्डन था, तो अब जैसे ही मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो वहाँ पे जो है हमें सेकंड फ्लोर मिला है और वहाँ एक ही बालकनी है जो कि बहुत छोटी सी बालकनी है, तो वहाँ पर लिमिटेड पॉट्स ही आ पाएंगे। तो मुझे उस अकॉर्डिंग जो है अपने प्लांट्स को अब अरेंज करना पड़ेगा जहाँ पर बहुत छोटे एरिया में इनको रखना पड़ेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे अरेंज करती हूँ और ये जर्नी पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये इस तरह से मेरे सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। आज मैं आपको थोड़ा इनका ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन कौन से मेरे प्लांट लगे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इनमें से सोच रही हूँ कि कुछ प्लांट्स जो हैं जिनकी मल्टीपल कॉपीज़ है वो हटा दूँगी, रिमूव कर दूँगी यहाँ से और उसका एक एक पौधा ही लेके चलूँगी। हमें आदत होती है, देखिए फ्रेंड्स, कि अगर कटिंग लगी है जैसे ये कैलन को, ये देखो हर गमले में मैंने लगा दिया है क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं। तो जब सर्दियों में आफ्टर विंटर्स जो है बाहर का मौसम आता है तो इसमें लाल लाल फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी रूट्स भी ज़्यादा नहीं होती तो हर पॉट में रेड फ्लावर्स खिल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया था, बट अब मुझे जो है इसको एक ही कॉपी इसकी रखूँगी और बाकी सारी रिमूव कर दूँगी। ऐसे ही देसी गुलाब देखिए मैंने लगाया था क्योंकि यहाँ पे जो है नीचे ज़मीन में लगे हैं पॉट रखे हुए हैं तो पानी इनको अच्छे से मिलता रहता है तो यहाँ खूब अच्छे से फूल खिल रहे हैं। नहीं तो दिल्ली में जब हम रहते थे तो वहाँ मेरे से देसी गुलाब भी नहीं चला है। तो ये मैंने कटिंग से लगाया था, देखो इसमें भी इस समय फ्लावरिंग हो रही है, एक दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये गमला है और चौथा ये गमला है बड़ा। तो लगभग चार मेरे पास देसी गुलाब के ही पौधे हैं, गमले हैं बड़े बड़े। तो इनको भी मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे शिफ्ट करूं, फेंकने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इनको। और ये देखिए मैंने सीताफल का बीज लगाया था तो वो इस गमले में सीताफल भी लग गया है। तो देखती हूँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इसको शिफ्ट करने की, बहुत बड़ा काम है और काफ़ी दिक्कत है और एक भी पौधा जो है बीइंग अ प्लांट लवर मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है। ये टेंगल्ड हार्ट वाइन जो है लगभग हर गमले में जो है फैल चुकी हुई है तो ये भी मुझे क्लियर करके एक ही पॉट में रखनी होगी। यहाँ मेरे कुछ गमले हैं, ये देखो, ये भी मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। और यहाँ देखिए किसी माउस ने यहाँ पर होल कर दिया हुआ है पूरा गार्ड अंदर तक और मुझे डर लग रहा है यहाँ पे जाने में। मैंने एक गमला उठाया तो यहाँ इतना बड़ा सुराख था। तो इस तरह से देखिए ये मेरे प्लांट्स हैं जिन्हें मुझे अरेंज करना है, काफ़ी काम है और त्यौहार शुरू होने वाले हैं तो उससे पहले देखना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। ये अनार का पौधा लगा हुआ है। वैसे तो फ्रेंड्स कहते हैं कि अनार जो है घर में नहीं लगाना चाहिए, तो देखती हूँ कि इसको रखूँ कि नहीं। वैसे भी जो है मेरे लिली के पॉट में लग गया हुआ है, वैसे तो मैंने ही लगाया था ये, ना ऐसे ज़मीन में ही पीछे अनार का पेड़ है तो ऐसे इसमें यहाँ कहीं लग गया था
तो यहाँ से ही मैंने इसको निकाल के अपने पॉट में लगाया था। और इसमें ना कंडे भी हैं, कांटे कहते हैं जिसे, तो वो भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पॉट में ये चलेगा भी नहीं, तो या तो इसको ना यहाँ ज़मीन में लगा जाती हूँ, यहाँ लग जाएगा फेंकने की बजाय, क्योंकि मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊँगी इस पॉट, इस प्लांट को ना, ये गमले में लगेगा भी नहीं। और ये देखो यहाँ पे अमरूद के सीड्स हमने गिराए होंगे, तो वो अमरूद लग गया है। तो ये भी सोच रही हूँ कि यहाँ ज़मीन काफ़ी है तो इधर लगा जाऊँगी। ये रियो का है प्लांट, और इसमें मैंने अदरक लगाई थी जो कि गल गई है, बारिशें बहुत हुई हैं फ्रेंड्स यहाँ। और आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, जो पॉट है वो पूरे लगभग, ये छोटे पॉट्स तो पूरे ही पानी में डूबे रहे हैं, तो उससे मेरे प्लांट्स काफ़ी ख़राब हुए हैं। ये एडेनियम है देखो, इसमें भी ओवर वाटरिंग से ये मेरे यहाँ पे ये गल गया था, तो यहाँ से अब नई रूट स्टार्ट हो गई है। यहाँ ना इस समय मच्छर भी बहुत होता है, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। एडेनियम की ही एक और मैंने वैरायटी कटिंग से लगाई थी, वो दूसरे प्लांट से लगाई थी, बट उसका जो मदर प्लांट है वो गल गया था बारिश में। ये मेरा कुछ सकलेंट है, इसको मैं सकलेंट ट्रे में शिफ्ट कर दूंगी। ये मैं अपने घर से लेकर आई थी, एचिवेरिया है, देखिए कितना बड़ा है। ये मैं हिमाचल से लाई थी, तो ये सर्दियों में प्रोपेगेट करेगा। और ये कोलियस मैंने कटिंग से लगाया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये मिट्टी के पॉट में है ना, तो इसकी मिट्टी जो बहुत जल्दी सूख रही है। वैसे तो ये देखो एचिवेरिया यहाँ पे एक मैंने छोटा भी लगाया है, और प्रोपेगेट करना स्टार्ट भी हो गया ऑलरेडी, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। बट दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में ना ये सब प्लांट्स बहुत मुश्किल से चलते हैं, सकलेंट्स वगैरह। या तो आप प्रॉपर शेडिंग करिए अपने प्लांट्स की, वहाँ पे शेड प्रोवाइड कीजिए तो होता है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत रहती है। जाने का तो फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बट क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा, तो देखते हैं। ये देखो ये क्रोटोन का प्लांट है, ये ज़मीन में लगा हुआ था, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इसको मैंने ले लिया है। और इसकी कटिंग ना यहाँ से तोड़ी है मैंने, क्योंकि वो ना वो पत्ते बिल्कुल ग्रीन थे ये वाले, इसमें ये पेंट ब्रश वाला लुक नहीं आ रहा जितना यहाँ इसमें आ रहा है, तो मैंने वो ब्रांच रिमूव करके ज़मीन में लगा दी है। अगर ये चलनी हो तो यहाँ चल जाएगी, अदरवाइज़ मेरा ये प्लांट जो है ये हेल्दी हो गया है। तो इसमें ना ये एरिया काफ़ी खाली है, यहाँ पे मैं कुछ कटिंग्स ले चलूँगी अपने पॉट्स की, प्लांट्स की, और कुछ पॉट्स जो है वो खाली कर लूँगी। यहाँ भी देखिए किसी जानवर ने मिट्टी निकाली हुई है, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है फ्रेंड्स, और मैं अभी इसको पूरा फिर से अरेंज करूँगी। अगर हम यहाँ रहते तो मैं काफ़ी सारे विंटर्स के फ्लावर्स यहाँ पे लगाती, मेरे पास काफ़ी सीड्स हैं, बट क्योंकि हमें अब शिफ्ट करना है दिवाली से पहले पहले, तो मुझे इसको कम से कम पौधों, कम से कम गमलों में शिफ्ट करके इनको ले जाना है। तो मैं आपके साथ ये पूरी जर्नी शेयर करूँगी, आपको भी आइडिया लगेगा कि अपने प्लांट्स को आप शिफ्ट कैसे कर सकते हैं और छोटी बालकनी में कैसे रख सकते हैं। ये चेन प्लांट जो है ये तो गार्डन में लगा हुआ है, इसकी एक कटिंग में ले जाऊंगी अपने किसी पॉट में, बाकी यहाँ लगे रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरे चैनल गार्डन डिज़ायर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले जो मैं सीरीज़ लाऊंगी पौधों को शिफ्ट कैसे करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आप देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।